तो मैंगो केक बनाने के लिए एक आम ली हूँ मैं मीडियम साइज का, इसको अच्छे से छील लेंगे। देखिए दोस्तों मैं अच्छे से पील कर ली हूँ उसके, इसके पीसेस कर ली हूँ मैं, इसको एक जार में डाल लेंगे। इसमें आधा कप चीनी डाल लेंगे, आम मीठा रहता है ना इसलिए चीनी कम ली हूँ। आपको मीठा आम लेना है, खट्टा आम नहीं लेना है, इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है आपको, स्मूथ पेस्ट बना ली हूँ मैं। अब एक बॉल में ऐड कर लेंगे इसको पेस्ट, मैंगो पेस्ट में हम ऑयल ऐड कर लेंगे, रिफाइंड ऑयल है ये, बिना फ्लेवर का ऑयल लेना है, आधा कप ली हूँ मैं। वेनिला एसेंस के 3 से 4 बूंदे डाल लेंगे, ये सारे चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको 2 मिनट अच्छे से बीट कर लिए ही, अब इसको साइड में रख के इसमें छन्नी रख लेंगे। छन्नी रख के इसमें 1.5 कप मैदा, इस कप से आपको यूज करेंगे ना सभी, इसी कप से मेजर करना है आपको। अभी मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। ये सारे चीजों को अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। इसको मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 कप दूध ऐड कर लेंगे, ज्यादा नहीं लेना है, बस 1/2 कप ही लेना है दूध को। इसको अच्छे से 2 मिनट बीट करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ज्यादा पतला बैटर मत कीजिए। बटर पेपर रख के इसमें टिन में इसको ऑयल से ग्रीस कर ली हूँ, इसमें इसको डाल देंगे। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो मजा डस्ट कर सकते हो। अच्छे से डालनी हूँ, एक बार टैप कर ली हूँ, इसके ऊपर से थोड़े कटे हुए बादाम डाल लेंगे। देखिए एक कढ़ाई में मैं इस तरह से रिंग रख के इसको 5 मिनट हीट कर ली हूँ, फ्री हीट। अब इसमें इसको रख के पैन को ढक के कम से कम 35 मिनट तक, 35 से 40 मिनट तक इसको, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये अच्छे से फूल भी गया है, और एक टूथ पिक डाल के इसको चेक कर लेंगे सेंटर में इस तरह से। देखिए ये क्लियर आने से समझो कि पक गया। देखिए दोस्तों मैं मोल्ड से निकाल चुकी हूँ केक को, कितना अच्छा सॉफ्ट बन चुका है। ये दोस्तों आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।